तो लास्ट क्लास हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने फिजिक्स में देखा था कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और पोलराइजेशन क्या होता है। हमने ये देखा था कि डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल है जिसमें हमने अगर मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो उसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है और उसके उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन हो जाता है इंडक्शन के वजह से। और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है वो भी हमने लास्ट क्लास बात किया था पूरे डिटेल में। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि अगर मैं उसी डाइलेक्ट्रिक को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रख दूं, अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रख दूं तब वो कैसे बिहेव करेगा या कैपेसिटर क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। मान लो अभी आपके पास ये एक पैरेलल प्लेट है, मान लो ये पैरेलल प्लेट हो गया, दो प्लेट से अब इधर इलेक्ट्रिक मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मान लो जब कुछ भी नहीं है, मतलब इसके अंदर क्या है, इस पैरेलल प्लेट के अंदर मान लो वैक्यूम है, जब वैक्यूम होगा तब उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसको मैं नाम दे देता हूं, मान लो E नॉट, प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूं, मान लो ये हो गया डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ये मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और डाइलेक्ट्रिक में क्या हो जाएगा, इसके अंदर जब मैं डाइलेक्ट्रिक डालूंगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और हमें पता है डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है, चार्ज पास नहीं हो सकता लेकिन डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है और उसके वजह से इसमें पोलराइजेशन हो सकता है। तो पोलराइजेशन होगा इसमें डाइलेक्ट्रिक में, ये क्या है, ये एक डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन क्या है मैंने लास्ट क्लास बताया हुआ था, ठीक है। तो पोलराइजेशन होगा और पोलराइजेशन होगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ई आई एन, ये प्रोड्यूस हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं होगा, होगा। तो यहां पे जाहिर सी बात है ये ई इंड्यूस जो बनेगा वो ई नॉट से या इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल हमने प्रोवाइड किया हुआ है उससे कम ही होगा, उसका वैल्यू उससे किससे, ई एन का वैल्यू ई नॉट से कम होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बना वो कितना हो जाएगा, जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और इस तरफ मैं लिख देता हूं डाइलेक्ट्रिक, विथ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, विथ डाइलेक्ट्रिक। तो जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक ई नॉट मेरा था, ठीक है, और हर डाइलेक्ट्रिक का अपना एक क्या होता है, अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। हर अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, हर अलग अलग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, या फिर डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है। के क्या होता है, के होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा जब डाइलेक्ट्रिक डाला जाएगा, तो जब डाइलेक्ट्रिक डाला जाएगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई नॉट बाय के बन जाएगा, E नॉट बाय के। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब इसमें हमें क्या पता चला कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक एक पैरेलल प्लेट के अंदर डालता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा मतलब कम हो जाता है एज कंपेयर टू हम जब डाइलेक्ट्रिक ना हो, क्योंकि बाय हो जा रहा है ना, डिवाइड हो जा रहा है कोई नंबर से तो छोटा हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अब देखो मैंने क्या बोला, इसके अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम होगा इसके कंपैरिजन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो E होगा दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस E इंड्यूस्ड, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा,
होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे E के जगह पे E not minus E induced डाल दूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, या फिर K मुझे यहाँ से K का वैल्यू कितना मिल जाएगा, K is equal to E not by E, ये मिलेगा। कैसे किया, K को इस तरफ ले लिया, E को इस तरफ ले लिया, बस K equal to कितना हो गया E not by E, E क्या है with dielectric का electric field, अब E equal to कितना मिला E not minus E induced, तो K का वैल्यू कितना हो गया E not by E induced, सॉरी E not by E not minus E induced। तो मुझे ये एक फॉर्मूला मिल गया और एक ये एक फॉर्मूला मिला और ये एक चीज मिला। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक एक पैरेलल प्लेट के अंदर डालता हूं तो मुझे मेरा क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस साइड में लिख लेता हूं कुछ सर्टन पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, और कितना डिक्रीज होगा डाइलेक्ट्रिक डालने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिक्रीज होगा बाय के टाइम्स, बाय डिक्रीजेस के टाइम्स, ठीक है, ये हमें मिल गया। तो डाइलेक्ट्रिक क्या, डाइलेक्ट्रिक डालने पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना क्या हो गया, डिक्रीज हो गया बाय के टाइम। समझ में आया, ठीक है, फिर से समझा देता हूँ, समझ लो क्या होगा। जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर मैं एक डाइलेक्ट्रिक डालूंगा तो जो डाइलेक्ट्रिक होगा ना वो K टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है, K टाइम्स कम हो जाएगा जब डाइलेक्ट्रिक को मैं इसके अंदर, किसके K टाइम्स कम हो जाएगा, जब डाइलेक्ट्रिक ना होता है, मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट जब गिर रहा है, E नॉट किसके वजह से, जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक हो, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक E नॉट से K टाइम्स कम हो जाएगा जब मैं ये ऑब्जेक्ट डालूंगा या डाइलेक्ट्रिक डालूंगा। अब ये डाइलेक्ट्रिक है क्या, डाइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंस है जिसके थ्रू से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर सकता है लेकिन चार्जेस पास नहीं कर सकते, और हर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का, हर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, और उसी जो K यहाँ पे लिखा गया है वो K क्या है, वही डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। हर मटेरियल का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक होता है, एयर का अलग होता है, ग्लास का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। जब एक डाइलेक्ट्रिक एक प्लेट के बीच में डाला जाएगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बनेगा, पहले जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E नॉट था, जब ये डाला गया तब एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो वो नया इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बराबर होगा E नॉट बाय K के बराबर। मतलब E नॉट क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डाइलेक्ट्रिक जब नहीं था, डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इसका और एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या हो सकता है कि जो ये E नॉट है, ये E नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है, E नॉट जो पहले लग रहा था विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो लग रहा था, माइनस जब डाइलेक्ट्रिक डाल दूं तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर बन रहा, अगर मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E नॉट माइनस E इंड्यूस्ड, E नॉट क्या हो गया, जो इन दोनों प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, और E इंड्यूस्ड क्या हो गया, इस पोलराइजेशन की वजह से जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, तो उसे E इंड्यूस्ड बोलते हैं। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो E equal to मुझे कितना मिल गया, E not minus E induced। अब अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को देखूं तो अगर मैं K को इस तरफ ले आऊं तो कितना हो जाएगा, E not by E बन जाएगा, तो ये बन गया E not by E, K equal to E not by E। अब E equal to मैंने क्या निकाला हुआ है, यहां से देखो E equal to ये वाला चीज फॉर्मूला निकाला हुआ है, E not minus E induced, तो मैंने क्या किया, इस E के जगह पे ये E not minus E induced डाल दिया, तो K का मुझे और एक फॉर्मूला मिल गया, E not by E not minus E induced। समझ में आया या नहीं आया, अच्छा समझ में आया, yes, चलो। अब यहां पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब एक डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, कितना क्या हो जाता है, वो K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, तब पोटेंशियल पे क्या असर पड़ रहा होगा वो देखते हैं। जब डाइलेक्ट्रिक यहां पे नहीं होता है,
जब यहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है, पोटेंशियल V इक्वल टू कितना होता है, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। तो पोटेंशियल मेरा कितना हो जाएगा, E इनटू D। तो मान लो लेट इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच का डिस्टेंस मान लो डी है, ठीक है, मान लो डी है। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा कितना हो जाएगा, V नॉट विल बी इक्वल टू कितना, V नॉट विल बी इक्वल टू E नॉट इंटू डी, ये बन जाएगा जब डाइलेक्ट्रिक ना हो। अब जब डाइलेक्ट्रिक हमने डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक जब डाल दिया तो V इक्वल टू कितना होना चाहिए, V इक्वल टू वही E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E नॉट बाय K, तो E नॉट बाय K इंटू डी। तो यहां से अगर हम सम अप करें, इस दोनों को कंपेयर करें, देखो E नॉट इंटू डी किसके बराबर होता है, V के, V नॉट के बराबर होता है, तो V इक्वल टू कितना आ गया, V इज इक्वल टू V नॉट बाय K, ये आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला, जब मैं एक डाइलेक्ट्रिक डालता हूं तो मेरा पोटेंशियल जो होगा, मतलब प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो V नॉट बाय K, तो इससे क्या पता चला, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिक्रीजेस K टाइम्स, पोटेंशियल भी K टाइम्स कम हो गया या डिक्रीज हो गया। तो एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पे पहले हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा था, फिर पोटेंशियल भी डिक्रीज हो गया। समझ में आया या नहीं आया, या नहीं आया बोलो। पहले इतना लिख लो फिर मैं मिटाऊंगा। यहां पे देखो, जब डाइलेक्ट्रिक मैंने डाला, इस पे जितना चार्ज होगा, इसमें प्लेट्स में कितना प्लस माइनस क्यू नॉट चार्ज होगा, Q नॉट चार्ज होगा। मैं ये मान के चल रहा हूं जब मैं इस कैपेसिटर को जब मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, उससे पहले डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट जब मैंने किया, उससे पहले मैंने क्या किया, इसको चार्ज से मतलब बैटरी से हटा दिया गया। मतलब इसको जरा समझना, पहले ये जो कैपेसिटर था वो मैंने बैटरी से चार्ज किया, चार्ज करने के बाद इस पे प्लस माइनस प्लस क्यू, इसमें माइनस क्यू चार्ज स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद मैंने ये बैटरी हटा दिया, बैटरी हटाने के बाद मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला हूं, ठीक है, बैटरी हटाने के बाद मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला हूं। तो जब डाइलेक्ट्रिक बैटरी हटाने के बाद डाला हूं, तो मेरा चार्जेस ऑन दिस प्लेट कितना हो जा रहा होगा, चार्जेस ऑन दिस प्लेट प्लस माइनस क्यू ही होगा, क्यू नॉट ही होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। चलो अब कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब C नॉट, मान लो C नॉट, मैं सबके लिए नॉट लेके जा रहा हूं, तो इसलिए इसके लिए भी C नॉट इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, Q नॉट बाय V नॉट, ये हो जाएगा। जब कैपेसिटेंस इसके अंदर इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक ना हो, तब मेरा क्या हो जाएगा, C नॉट इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन V नॉट। और जब डाइलेक्ट्रिक होगा तब क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q नॉट अपॉन V, ये होगा। और V इक्वल टू मैंने क्या निकाला हुआ है, V नॉट बाय K, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नॉट बाय V नॉट डिवाइडेड बाय K, विच इज इक्वल टू K इंटू Q नॉट बाय V नॉट, ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो Q नॉट बाय V नॉट क्या है, Q नॉट बाय V नॉट C नॉट के बराबर है, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, K इंटू C नॉट। तो यहां पे हमने क्या देखा, जब कैपेसिटेंस, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, अगर कैपेसिटेंस सी नॉट है तो, और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, मल्टीप्लाई होके है सी नॉट के साथ, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है,
और यही फायदा है कि हम डाइलेक्ट्रिक क्यों यूज कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक यूज करने पे हमारा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। मतलब मैं एक छोटे कंटेनर में बहुत सारा एनर्जी स्टोर करके रख सकता हूं, मतलब बहुत सारा चार्जेस उसके अंदर स्टोर करके रख सकता हूं। तो इससे हमें क्या पता चला, जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस बाय k टाइम्स। समझ में आया या नहीं आया, कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज हुआ, समझ में आया या नहीं आया? अंचल समझ में आया? यस सर। सुप्रिया समझ में आया? सर। चलो अब बात करते हैं और एक कैपेसिटर में। कैपेसिटर में हमने और एक क्या चीज पढ़ा था, कैपेसिटर में हमने पढ़ा था एनर्जी कितना स्टोर होता है, वो भी देख लेते हैं क्या फर्क डालता है। चलो एनर्जी स्टोर होने का फॉर्मूला क्या था, 1/2 CV2। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक एनर्जी मान लो यू नॉट हो गया, यू नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 C0 V0, ये हो जाएगा, इतना एनर्जी स्टोर होगा। तो अब जब डाइलेक्ट्रिक आ गया, डाइलेक्ट्रिक आने पे उसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा, वही इसके लिए U इक्वल टू कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू कहां लिखूं, ठीक है चलो 1/2 C V ये होगा। और C हमारा कितना निकला है, ये देखो C इज इक्वल टू K × C0, तो कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, U इज इक्वल टू 1/2 K × C0 और V मेरा कितना निकला है, V0/K, तो V0/K, तो K गेट्स कैंसिल, तो कितना हो गया, U इक्वल टू 1/2 C0 × V0। तो इससे क्या हमें पता चला कि देयर इज नो चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एक एनर्जी कितना स्टोर हो रहा होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, एक सेकंड मैंने कुछ गलती किया क्या, ओ सॉरी, हाँ तो इनिशियली फॉर्मूला क्या था, 1/2 C0 V0 का स्क्वायर, C0 V0 का स्क्वायर होगा और इधर 1/2 CV2, तो मतलब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1/2 K × C0 × V0 का स्क्वायर into K का स्क्वायर, तो एक K और एक K गेट्स कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/K × C0 × 1/2 × C0 V0 का स्क्वायर, तो 1/2 C0 V0 इक्वल टू कितना होता है, ये हो जाता है 1/K × U0 के बराबर। तो कितना हो गया, U0/K, तो U0/K। तो इससे हमें क्या पता चला, जो एनर्जी स्टोर हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, जो एनर्जी स्टोर हो रहा होगा वो K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना हो जाएगा, डिक्रीजेस बाय K टाइम्स कम हो गया, कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो गया, सॉरी एनर्जी क्या हो गया, K टाइम्स घट गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब मैं एक डाइलेक्ट्रिक एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डालता हूं तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल मेरा K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है और
कैपेसिटेंस मेरा के टाइम इंक्रीज हो जाता है और जो एनर्जी स्टोर है वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा कुल मिला के कुछ बातचीत थी जो जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो ये चीजें होती है। अब यहाँ पे हमने इसको बहुत मतलब अपने लॉजिक के बेसिस में, मतलब जो हमने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस में हमने इस चीजों को समझा, ठीक है। अब इसमें हमें डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस डेरिवेशन को भी हम करेंगे, जो कि वही चीज है जो कैपेसिटर कैसे कम हुआ कैसे बढ़ गया उस चीज का डेरिवेशन हम करेंगे। एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिख सकते, तो उसका डेरिवेशन हम करेंगे। पहले ये चीजें एक पेज में नोट डाउन कर लो, फिर हम डेरिवेशन पे चलेंगे, ठीक है, लिख लो। मान लो यहां पे ये हो गया आपका पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। अब इस पे मान लो पॉजिटिव चार्जेस है और इस प्लेट पे मान लो नेगेटिव चार्जेस है। इस प्लेट का जो पैरेलल प्लेट है, एरिया ऑफ ईच प्लेट मान लो ए हो गया, और इस दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस होगा मान लो डी हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक कैसे भरा, मैंने डाइलेक्ट्रिक ऐसे भरा कि जो विड्थ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक है, जो विड्थ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का विड्थ है वो डी के बराबर हो जाए। विड्थ ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल टू डी। डी क्या हो गया, और डी क्या है, डी इज द प्लेट सेपरेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ये हो गया, ठीक है। अब इस पे कितने चार्जेस स्टोर हो रहे होंगे, अब देखो यहां पे इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा प्लस प्लेट के लिए प्लस सिग्मा और नेगेटिव प्लेट के लिए माइनस सिग्मा, ये हो रहा होगा। और ड्यू टू इसके अंदर पोलराइजेशन होगा, तो इस साइड में डायलेक्ट्रिक के इस साइड में चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव प्लेट है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस सिग्मा पी, और इसके तरफ इस तरफ जो इस साइड का डायलेक्ट्रिक के इस साइड का चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, प्लस सिग्मा पी होगा या नहीं होगा। अब यहां पे माइनस क्यों हुआ, यहां पे प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इंडक्शन के वजह से इस डाइलेक्ट्रिक के इस साइड में नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और इस साइड पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, ड्यू टू पोलराइजेशन। तो अब जब डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर नहीं होता है, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, ये कब है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक ये है, होगा या नहीं होगा। अगर विदाउट डाइलेक्ट्रिक ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई इज इक्वल टू, या फिर E नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सटर्नल क्रिएट हो रहा होगा ना, E नॉट, और वो E नॉट किसके बराबर होना चाहिए, वो E नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए, E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हमारा इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इतना है, होगा या नहीं होगा। चलो अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूं। जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया विथ डाइलेक्ट्रिक किसमें चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज होगा, लेट मैं उसको ले लेता हूं ई, और ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, ये हो जाना चाहिए,
इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, अभी कुछ समय पहले देखी भी हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना हो जाएगा, ई नॉट जो पहले से ई नॉट था माइनस ई इंड्यूस्ड, और ई इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू, तो E is equal to कितना हो जाएगा, E is equal to sigma upon K, और इसको याद रखना sigma upon K जो होता है वो sigma minus sigma P होता है, ठीक है, ये याद रखना for dielectric, sigma upon क्या K क्या होता है, sigma minus sigma P, sigma minus sigma P मतलब sigma ये बाहर वाले प्लेट के लिए और sigma P क्या किसके लिए, dielectric के वजह से, तो sigma minus sigma P equal to sigma by K होता है, तो E induced मेरा कितना हो गया sigma अपॉन सिग्मा, सॉरी इंड्यूस नहीं, E मेरा कितना हो गया, E मेरा हो जाएगा सिग्मा अपॉन के इंटू एप्साइलन नॉट, ये हो जाएगा, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए डिवाइडेड बाय के इंटू एप्साइलन नॉट विच इज इक्वल टू क्यू बाय ए इंटू के इंटू एप्साइलन नॉट, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, होगा, तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितना होता है, C इज इक्वल टू Q बाय V, और इधर E तो मिल गया, अब V निकालते हैं, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू D, तो E कितना है, E हमारा है Q by A K epsilon naught into D, ये हमारा V निकल गया, तो C equal to मेरा कितना हो जाएगा Q by V, और Q पहले से constant है, Q और V कितना आ गया, इतना आ गया, तो that is equal to Q by Q divided by A K epsilon naught into D, तो Q Q gets cancelled, तो मुझे यहाँ पे कितना मिला, C equal to C इक्वल टू यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, C इज इक्वल टू ए के एप्साइलन नॉट, ए के एप्साइलन नॉट डिवाइडेड बाय D, ये हो जाएगा ए के एप्साइलन नॉट अपॉन D, तो इधर से हमें क्या पता चला, ये देखो यहाँ पे अगर हम देखें C इक्वल टू क्या था, एप्साइलन नॉट ए बाय डी, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी, ये हो गया हमारा C नॉट इंटू के, तो C इक्वल टू C नॉट अपॉन के, तो ये हमने क्या देखा, जब डायलेक्ट्रिक नहीं था तो कैपेसिटेंस हमारा कितना था, E नॉट A एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और जब डायलेक्ट्रिक हमने डाल दिया तो मुझे कैपेसिटेंस कितना मिल गया, C नॉट इनटू K, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब हमने डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तब हमारा कैपेसिटेंस K टाइम बढ़ गया, और यही प्रूफ आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब एग्जाम में पूछे जाएगा तो इस प्रूफ को पूरा एग्जाम में कॉपी में लिखना है, इससे पहले भी हमने वही छोटा सा लॉजिक लगा के वहां पे कैपेसिटेंस का देखा था कि कैपेसिटेंस कितना बढ़ रहा है, लेकिन यहां पे इसका ये एक्चुअल डेरिवेशन है, तो इसको नोट डाउन कर लो, समझ में आया अंचल, यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को पूरा भर देते हैं, मतलब जितना स्पेस उसके अंदर है मैं पूरा का पूरा स्पेस कवर कर दूं डाइलेक्ट्रिक पे, लेकिन अब हमारा दिमाग थोड़ा खुराफाती है, हम क्या करते हैं इसमें पूरा का पूरा ना भर के, मान लो मैं 3/4 डाइलेक्ट्रिक भरता हूँ या फिर 1/4 डाइलेक्ट्रिक भरता हूँ, मतलब इसको समझते हैं क्या होता है, इसको जरा समझते हैं, मान लो ये आपका प्लेट हो गया, अब इसके अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक भरना है, ठीक है, ये मान लो पॉजिटिव प्लेट, ये मान लो नेगेटिव प्लेट, अब मान लो मुझे यहां पे इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरना है, और जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो मान लो इतना है, और इसका जो थिकनेस है ना, डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो है मान लो 3/4 ऑफ डी,
और d क्या है, ये टोटल थिकनेस, मतलब प्लेट के बीच में डिस्टेंस है d, और इसका जो थिकनेस है, किसका, डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो मान लो 3/4 ऑफ d है। अब इसमें कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कैसे करें, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये हालांकि एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं, फिर इसका जनरल फॉर्मूला भी देख लेंगे कि क्या होता है, ठीक है। चलो, तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक हमारा कैपेसिटेंस कितना हो गया, विदाउट डाइलेक्ट्रिक हमारा कैपेसिटेंस हो गया सी नॉट ई नॉट ए अपॉन डी, मतलब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है ना। अब जहां पे इसके अंदर, इस रीजन में जहां पे हमारा डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, जहां नो डाइलेक्ट्रिक वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना होगा, मान लो E नॉट, और जहां पे डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, जिस जगह पे डाइलेक्ट्रिक मौजूद होगा विथ डाइलेक्ट्रिक, वहां पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E नॉट अपॉन K टाइम्स हो जाएगा, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, होगा या नहीं होगा। तो जहां पे डाइलेक्ट्रिक होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना हो जाएगा, E नॉट बाय K, और जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा वहां पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E नॉट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो पोटेंशियल इसके अंदर, पोटेंशियल V इज इक्वल टू V नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, V पोटेंशियल एट वैक्यूम प्लस पोटेंशियल जहां पे डाइलेक्ट्रिक है भी, वेयर डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, होगा या नहीं होगा। V नेट मेरा कितना हो जाएगा, V नेट इज इक्वल टू V वैक्यूम प्लस V जहां पे डाइलेक्ट्रिक मेरा नहीं है, तो V वैक्यूम मेरा कितना हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस d। तो अगर पूरे जगह में, मान लो इन दोनों प्लेट में डिस्टेंस है d और उसमें से 3/4 पार्ट ले गया है डाइलेक्ट्रिक, तो वैक्यूम के लिए कितना डिस्टेंस बचा, अगर ये 3/4 है तो वैक्यूम के लिए कितना डिस्टेंस बचा, d माइनस 3/4 d, तो कितना हो गया 1/4 d, तो इनटू d बाय 4। समझ में आया ये d/4 कहां से आया सुप्रिया? Yes, sir. आंचल? Yes, sir. चलो, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, E नॉट इंटू डी बाय फोर प्लस E नॉट बाय K, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E नॉट बाय K इंटू कितना 3/4 d, मतलब 3d/4, ये होगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, E नॉट डी, E नॉट कॉमन, डी कॉमन बाय 4 कॉमन, तो बचा कितना, E नॉट डी बाय 4 1 प्लस 3/k, ये बचा। तो V नेट मेरा कितना हो गया, V नेट मेरा हो गया E नॉट डी बाय 4 इंटू 1 प्लस 3/4, ये आ गया। अब कैपेसिटेंस इक्वल टू C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, ये होता है। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाय पोटेंशियल मेरा कितना आ गया, E नॉट इंटू डी बाय 4 इंटू 1 प्लस 3/k, ये होगा या नहीं होगा। अब E नॉट इक्वल टू कितना होता है, E नॉट इक्वल टू कितना होगा, E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। और Q इक्वल टू क्या होता है, और Q इक्वल टू मेरा क्या होता है, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ये होता है या नहीं होता, होता है या नहीं होता। तो यहां पे मैं दोनों के जगह पे E नॉट के जगह पे ये दोनों वैल्यू डाल देता हूं, तो Q के जगह पे कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय E नॉट के जगह पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाय 4 इंटू 1 प्लस 3/k, ये होगा या नहीं होगा। यहां से सिग्मा सिग्मा गेट्स कैंसल्ड,
तो बचेगा कितना, सॉल्व करेंगे तो 4 epsilon, हाँ तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 4 epsilon naught a डिवाइडेड बाय d इंटू 1 plus 3 by k, ये बचेगा। और यहां पे अगर देखें epsilon naught a by d इक्वल टू क्या होता है, c नॉट हमारा कैपेसिटेंस विदाउट डायलेक्ट्रिक, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 by 1 plus 3 by k इंटू सी नॉट। तो जो कैपेसिटेंस था हमारा जब 3/4 ऑफ डायलेक्ट्रिक डाला गया तो कैपेसिटेंस हमारा कितना हो गया, C इज इक्वल टू सी 4 C naught by 1 plus 3 by k, ये हमारा नेट कैपेसिटेंस हुआ जब हमने कितना 3/4 d का डायलेक्ट्रिक इसके अंदर डाला। तो अब ये तो हमने देखा कि अगर 3/4 हो तो ये कैपेसिटेंस आएगा, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला निकाल देते हैं। जो जनरल फॉर्मूला हमारे दिमाग में अगर होगा तो हम चाहे आप कैपेसिटेंस आधा दो, 1/4 दो, कुछ भी दे दो, आप निकाल सकते होगे, है ना। तो अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें, जनरल फॉर्मूला की अगर बात करें तो अगर लेट जो थिकनेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक है, को मैं टी मान लेता हूं, अगर मैं थिकनेस टी मान लेता हूं, अब तो पोटेंशियल नेट क्या हो जाएगा, हमने अभी किया क्वेश्चन में, V इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, V ड्यू टू डायलेक्ट्रिक प्लस V ड्यू टू वैक्यूम। तो V इन डायलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, E by K इंटू थिकनेस T प्लस V वैक्यूम कितना हो जाएगा, E इंटू D माइनस T क्यों होगा, क्योंकि इसमें से ये सब्सट्रैक्ट होगा, तो थिकनेस अगर टी है तो डी में से टी माइनस हो जाएगा। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो ई इक्वल टू कितना होता है, कॉमन क्या चला जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा ई, तो बचेगा कितना, टी बाय के प्लस डी माइनस टी, और ई इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये हो गया। अब कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, क्यू इक्वल टू हमें पता है सिग्मा इंटू ए होता है, डिवाइडेड बाय वी हमारा कितना है, ये है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये होगा। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो कैपेसिटेंस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा सिग्मा गेट्स कैंसिल, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये हो गया। ये आपका क्या गया, जनरल फॉर्मूला आ गया, समझ में आया। इस फॉर्मूले को याद रखो, आप थिकनेस डायलेक्ट्रिक का कुछ भी थिकनेस दे दे आराम से कर सकते हो, जनरल फॉर्मूला अगर याद हो आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, आराम से आप एमसीक्यूज लगा सकते हो, एंट्रेंस में हो, जेई में हो, कोई भी एंट्रेंस में पूछ ले, कर सकते हो अगर फॉर्मूला दिमाग में बैठा हुआ हो। और अगर फॉर्मूला भी याद नहीं है, कैसे करने का तरीका निकाल दो, अगर वो समझ गए तो हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ में आया। अब हम कैपेसिटर की बात कर रहे थे विथ डायलेक्ट्रिक। अब मान लो किसी का खुराफाती दिमाग हुआ, वो क्या किया, मैंने डाल के गया था दो कैपेसिटर के बीच में ग्लास जो कि है डायलेक्ट्रिक मटेरियल, और मान लो किसी का दिमाग में क्या आया, बोला ग्लास टूट जाएगा उसके अंदर रहेगा, तो ग्लास को मैं हटा के थोड़ा कॉपर दे देता हूं ताकि वो मजबूत हो जाए, ठीक है। मान लो डायलेक्ट्रिक को हटा के उसने कंडक्टर डाल दिया, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए कंडक्टर,
कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टर लिख सकते हो। अगर मैं इसके अंदर एक कंडक्टर डाल दूं, अब क्या होगा? देखो, जब कंडक्ट यहां पे या मैंने कंडक्टर डाल दिया तो कंडक्टर में भी पोलराइजेशन होता है, ये भी हमने देखा है। लेकिन ये हमने देखा हुआ है, अगर बाहर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है तो इसके अंदर जो E इंड्यूस्ड बनेगा, और ये कब तक बनेगा? E इंड्यूस्ड तब तक बनेगा जब E नॉट इज इक्वल टू E इंड्यूस्ड ना बन जाए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड द कंडक्टर हमेशा क्या होता है, इनसाइड द कंडक्टर जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा वो इसके बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो अगर कैंसल आउट हो जाएगा तो उसमें कैपेसिटेंस कितना होगा उसको जरा देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने मतलब इंडक्शन अगर विदाउट कंडक्टिंग स्लैब सी नॉट मेरा कितना हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हो गया। अब जब मैंने क्या डाल दिया, एक कैपेसिटर एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, जब कंडक्टिंग स्लैब डालूंगा तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस मेरा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा E नॉट मेरा कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट मेरा E नॉट के E इंड्यूस के बराबर, मतलब E इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। तो विथ कंडक्टिंग स्लैब, With conducting slab, तो E मेरा कितना हो जाएगा, E will be equal to E induced इसके बराबर, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा वो E नॉट के बराबर बन जाना चाहिए, E नॉट के बराबर हो जाना चाहिए। अब जब ये बनेगा तो पोटेंशियल V is equal to कितना हो जाएगा, पोटेंशियल is equal to V, पोटेंशियल मेरा कितना हो जाएगा, इनसाइड द कंडक्टर E इंटू डी, E इंड्यूस्ड इंटू डी, ये होगा। अब E इंड्यूस्ड मेरा कितना हो गया, E नॉट के बराबर, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, E नॉट इंटू डी लिख सकता हूं। तो कैपेसिटेंस मेरा C इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन V, और Q E नॉट मेरा किसके बराबर है, E नॉट मेरा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है इंटू डी। तो Q मेरा कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू, और Q इक्वल टू किसके बराबर है, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए के बराबर है। तो सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये आ गया। तो सिग्मा सिग्मा गेट्स कैंसल्ड, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये आ गया। तो अगर मैं कंडक्टिंग स्लैब इसके अंदर डाल देता हूं इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और यहाँ पे ये जो डाइलेक्ट्रिक की मैंने बात की, ये डाइलेक्ट्रिक मैंने जो कंडक्टर है वो कंप्लीटली फिल्ड है, completely filled है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने थोड़ा छोटा सा डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डालता, मान लो जिसका थिकनेस हो गया मान लो टी, अगर मैं छोटा सा डाइलेक्ट्रिक डालता या कंडक्टर डालता जिसका थिकनेस टी है, तो तब मेरा कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तब इसके लिए एक फॉर्मूला याद रख लेना, सी इज, हालांकि जैसे कैलकुलेट कर रहे थे पोटेंशियल इन इसके अंदर इन प्लस वैक्यूम, तो और उसको ऐड करो सॉल्व करो वैसे ही आएगा, लेकिन इसके लिए बस इतना याद रख लेना, सी इज इक्वल टू डी बाय डी माइनस टी इंटू सी नॉट। अगर मेरा थिकनेस T हो जाए कंडक्टर में, इफ थिकनेस ऑफ, ये किसके लिए, इफ थिकनेस ऑफ कंडक्टर, थिकनेस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू T, अगर T हो जाए तो कैपेसिटेंस मेरा कितना हो जाएगा, न्यू कैपेसिटेंस D बाय D माइनस T इंटू सी नॉट, ये हो जाएगा। अब देख लो ना, अगर आप कंप्लीटली फील्ड कर देते हो तो यहाँ पे D इज इक्वल टू T बन जाएगा, तो ये जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया, तो कैपेसिटेंस इक्वल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा,
हो जाएगा ना, तो कैपेसिटेंस इक्वल हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस यहाँ पे इक्वली आ रहा है जब कंप्लीटली फिल्ड है, और अगर टी थिकनेस का है तो इतना ही होगा। समझ में आया या नहीं आया? अंचल समझ में आया? चलो, तो इसी के साथ आपका जो कैपेसिटेंस वाला टॉपिक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस, उसका थ्योरी और जो डेरिवेशन वाला पोर्शन है वो आज के क्लास में खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास हम जब डाइलेक्ट्रिक डाला गया उसमें जो जो फॉर्मूला हमें मिला या डाइलेक्ट्रिक डालने पे उसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा ये होगा, उसके रिलेटेड हम फॉर्मूला जो बनाए हुए हैं उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास पे लगाएंगे। पूरा एक क्लास हम न्यूमेरिकल ही करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास पे आने से पहले जो आज मैं पढ़ाया हूं उसको दिमाग में रख के आना। डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना इस सबको, ठीक है? ये जो टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक वाला टॉपिक एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक एक क्वेश्चन पूछ लेता है डाइलेक्ट्रिक में से, तो इसमें से और भी बहुत सारे चीजें हैं घुमा फिरा के पूछ सकता है, जो हम क्वेश्चन वाले क्लास में सॉल्व करते हुए जाएंगे तो क्वेश्चन का क्वेश्चन भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट भी हम समझ जाएंगे, ठीक है? चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।